नमस्कार, श्रम समाचार में आपका स्वागत है। आज 1 अप्रैल है और 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन हुआ था। आज 90 वर्ष इस संस्था का हो गया है। 1935 की स्थिति जो बनती है उसमें वो स्पष्ट है कि आर्थिक स्थिति 1935 में भारत का डमाडोल था, खराब था, कम था। तो उसके आकलन के लिए तत्कालीन अंग्रेज सरकार हिल्टन के यंग के नेतृत्व में एक कमीशन बनाया। फिर उस कमीशन ने यह रिपोर्ट दिया कि हमें एक एक्ट बनाकर भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना करना चाहिए जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर नजर रखे। तो तत्कालीन सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 पास किया और उसी के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन हुआ और इस संस्था के पहला गवर्नर सर ओसबॉर्न स्मिथ बने। नमस्कार।